हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो बेसिकली इस बारे में है कि सीएसआर नेट लाइफ साइंस अगर आप अपीयर कर रहे हैं तो आपको 13 यूनिट सिलेबस पूरा करना चाहिए या आपको सेलेक्टेड यूनिट्स तैयार करनी चाहिए। क्योंकि जब सिलेक्शन की बारी आती है तो कई सारे कन्फ्यूजन्स लोगों को होते हैं कि शायद हमने पूरा सिलेबस नहीं किया या हमने ज़्यादा पढ़ लिया या हमने कम पढ़ लिया। इस तरह के ढेरों सारे तरह के कन्फ्यूजन है। पूरे का पूरा रेफरेंस लेने के लिए जो मैं यहाँ काम करने वाला हूँ वो दिसंबर 2017 का जो क्वेश्चन पेपर है सीएसआईआर का, मैं उसको रेफर करके आपसे सारी की सारी बात करूँगा कि क्या क्वेश्चन पैटर्न था और किस किस तरह से क्वेश्चन आए थे, क्या किया जाना चाहिए और क्या क्या आपके कन्फ्यूज़न है और क्या क्या मैं आपको बता सकता हूँ इस बारे में। इस दौरान में मैं आपको क्वेश्चन पेपर को पूरा गो थ्रू करवाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है सेक्शन ए और सेक्शन बी का किस प्रकार से है। उसके पहले मैं आपको बता दूं, vriguruji.in जो हमारी साइट है iguruji.in, और उस iguruji.in का जो एप्लीकेशन है मोबाइल एप्लीकेशन, उसको आप गूगल प्ले स्टोर से iguruji टाइप करके प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर इस जैसे और भी वीडियो प्रेजेंट हैं। या अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल में इसके आसपास के सारे वीडियोज भी एज ए डेमोन्स्ट्रेशन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी वीडियो क्लासेस रन करते हैं। पैटर्न में आपको जो ध्यान रखना है, जो मैं क्वेश्चन पेपर आपसे डिस्कस करूंगा उसमें आपको देखना है कि जो पैटर्न है उसमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। और टॉपिक स्पेशल के अलावा आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आप स्ट्रेटेजी ये अपना रहे हैं कि यू आर गोइंग टू प्रिपेयर द सम स्पेसिफिक यूनिट्स, कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स के ऊपर आप काम कर रहे हो, तो वो क्या रिस्की है या चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसमें से भी क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे कि अलग अलग तरह के जो मेंटर्स हैं, कई लोग कहते हैं सेल बायोलॉजी से बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है, कई कहते हैं मोल बायो से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या वाकई में ऐसा होता है क्या? क्योंकि कई लोग जैसे कई दो दो तीन तीन महीने तक सिर्फ सेल बायोलॉजी या सिर्फ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या जेनेटिक्स स्पेशल पर वो ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो कितना फ़ायदा होता है इस प्रकार की स्ट्रेटजी अपनाने से, या वाकई में 13 यूनिट्स का जो सिलेबस है उसको तैयार करने से फ़ायदा होता है? क्योंकि इस दौरान में मैं आपसे बात करूंगा कि कौन सी यूनिट्स को प्रिपेयर करना एक्चुअली रिस्की होता है और क्यों हमें क्लासिकल यूनिट्स पर भी इक्वली ध्यान देना चाहिए। आगे की बात शुरू करने से पहले मैं हमारा जो सीएसआर नेट लाइफ साइंस का सिलेबस है उससे मैं आपको गो थ्रू करा दूं। जो यूनिट नंबर 1 है, इट इज़ अबाउट द मॉलिक्यूल एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी। इसमें केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हैं, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री, यहाँ से यहाँ तक जो कि प्योर केमिस्ट्री है, इस जगह तक आप इसको यहाँ तक ले लें, इसको प्योर केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं। इसके बाद आपका बायोकेमिस्ट्री शुरू होता है। इस बायोकेमिस्ट्री में यहाँ तक आने के बाद ये बायोकेमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड के नाम से एक टॉपिक है पूरा का पूरा, और वापस से जो बेसिक बायोकेमिस्ट्री शुरू हो जाती है। तो पहली यूनिट हुई हमारी बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। मैं फिर क्लियर कर दूं, बायोकेमिस्ट्री में केमिस्ट्री के ये टॉपिक्स आते हैं जिस पर हम यूजुअली ध्यान नहीं देते। दूसरा यूनिट है आपका सेल बायोलॉजी का। सेल बायोलॉजी असल में ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, न कि प्योर सेल बायोलॉजी। इस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में एक टॉपिक को इन्होंने एडिशनल कर रखा है जो कि एक्चुअली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है, और ये है आपका ऑपेरॉन, इंटरप्टेड जीन्स, जीन फैमिली, इस तरह से। माइक्रोबियल फिजियोलॉजी के नाम से भी इन्होंने एक यूनिट ऐड कर रखी है जो कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में ऐड किया। तीसरी यूनिट है आपकी फंडामेंटल प्रोसेसेस के नाम से। फंडामेंटल प्रोसेसेस में पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी उन्होंने इंक्लूड किया है। चौथी यूनिट है अगेन एक तरह से सेल बायोलॉजी, या यहाँ से यहाँ तक अगर मुझसे पूछा जाए तो ये सेल बायोलॉजी, और कैंसर भी हम सेल बायोलॉजी में इंक्लूड कर रहे हैं। होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन यानी कि प्योरली माइक्रोबायोलॉजी, और इसी के अंदर अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो सो हियर इज द इम्यूनोलॉजी ऑल्सो, यहाँ पर आपके इम्यूनोलॉजी ये वाली यूनिट। तो तीन यूनिट्स का एक मिक्सर है। तो सेल बायोलॉजी को देखा जाए तो आपके दो जगहों पर है, आपके यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 5 प्लांट और एनिमल डेवलपमेंटल बायोलॉजी दोनों की, ये यहाँ से यहाँ तक हम जनरल डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ये आपका बेसिक प्लांट डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ये आपका एनिमल डेवलपमेंटल बायोलॉजी, वापस से प्लांट डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इस तरह के बाद ये आपके बेसिक्स हैं बेसिकली, या जो 12th लेवल के और ग्रेजुएशन लेवल के बेसिक्स हैं। यहाँ पर आते आते यह मामला एमएससी लेवल तक चला जाता है, तो ये भी एक बहुत अच्छी यूनिट है पूरा का पूरा डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अगली यूनिट होती है आपकी प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में, जिसमें फोटोसिंथेसिस से लेकर यहाँ तक के बारे में। सेवन्थ यूनिट है आपका एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में, जिसमें न सिर्फ एनिमल फिजियोलॉजी बल्कि जो बेसिक बायोकेमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हैं इसमें ऐड किए हुए हैं, इम्यूनोलॉजी और बेसिक बायोकेमिस्ट्री के। इनहेरिटेंस बायोलॉजी के नाम से आपका जेनेटिक्स है, हियर इज द जेनेटिक्स पूरा का पूरा,
जिसमें रिकॉम्बिनेशन जो है आपका देखा जाए तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का टॉपिक है। यहां पर आए यूनिट नंबर 9, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म। यूजुअली लोग इसको नॉर्मल क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं, लेकिन असल में आप इसको ध्यान से देखो तो जो कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन जो होता है पूरा का पूरा, नोमेनक्लेचर और आपके मेथड्स वगैरह, वो इसके अंदर है। यूनिसेलुलर कॉलोनियल एंड मल्टीसेलुलर फॉर्म ऑफ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। इसमें उन्होंने डिफाइन नहीं किया है कि वो प्लांट की पूछेंगे एनिमल की पूछेंगे, और हर बार दोनों में से क्वेश्चन होता है, प्लांट एनाटॉमी में से भी क्वेश्चन होते हैं और एनिमल की कंपैरेटिव एनाटॉमी में से भी क्वेश्चन होते हैं। ये वाली जो यूनिट है वो बॉटनी और जूलॉजी वालों को अपने अपने लेवल पर जरूर तैयार करनी चाहिए। इकोलॉजिकल प्रिंसिपल जो आपके 10वें नंबर की यूनिट है, इसमें बहुत प्यारी यूनिट है। लास्ट में इसमें अप्लाइड इकोलॉजी के नाम से बड़ा शानदार सा टॉपिक दिया हुआ है, जिसमें सभी कुछ चीज़ें इंक्लूड कर दी इन्होंने, जितना मैक्सिमम किया जा सकता था। इसमें आपको जीके तैयार होनी चाहिए, जनरल नॉलेज यहाँ से यहाँ तक की। इवोल्यूशन एंड बिहेवियर के नाम से इन्होंने तीन हिस्से कर रखे हैं, एक हिस्सा कर रखा है ब्रेन बिहेवियर और इवोल्यूशन, एक हिस्सा कर रखा है मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन, और एक हिस्सा कर रखा है जो क्लासिकल इवोल्यूशन की बात की जाती है, और चौथा हिस्सा अगर आप मानो तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स का हिस्सा है, जो एक्चुअली जेनेटिक्स का हिस्सा है। इट इज पार्ट ऑफ जेनेटिक्स, जिसको हम जेनेटिक्स के हेडिंग में पढ़ते हैं, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जीन पूल, जीन फ्रीक्वेंसी, हार्डी विंगबर्ग। पर चूंकि यहां पर सिलेबस में ऐसा दिया हुआ है तो हमें इसको ऐसे ही डिस्कस करना है। अप्लाइड बायोलॉजी एक अजीब गरीब टॉपिक है होने को तो, बट क्वेश्चन सबसे कम बनते हैं पहली चीज, और जो भी बनते हैं बहुत यूनिक क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे। इसमें सारी की सारी बायोलॉजी में जितने भी एप्लीकेशंस हैं उसको इंक्लूड किया हुआ है। जैसे मैं बायो रेमिडिएशन, फायरो रेमिडिएशन को उठाऊं, और इस बायो रिसोर्सेज एंड यूजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो ये हो गया आपका इकोलॉजी की एप्लीकेशन। एनिमल और प्लांट ब्रीडिंग के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें मार्कर असिस्टेंट सेलेक्शन वगैरह, ये प्योर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, ये आपका प्योर बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ये अगेन आरडीटी और जेनेटिक इंजीनियरिंग के टॉपिक्स, ये आपके प्लांट एनिमल कल्चर जो आपका एनिमल टिश्यू कल्चर, वो सारे के सारे टॉपिक्स हो गए। माइक्रोबियल फर्मेंटेशन और फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स हो गए। तो ओवरऑल अप्लाइड बायोलॉजी में आप डिफाइन नहीं कर सकते एग्जैक्टली क्या है, सारी चीज़ों की एप्लीकेशन जितनी भी होती हैं वो अलग क्वेश्चन है। सबसे बड़ी यूनिट्स के हिसाब से देखा जाए तो यूनिट नंबर 13 सबसे बड़ी यूनिट है, जिसमें आपके आरडीटी यहां से यहां तक है, आरडीटी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, इम्यूनोटेक्निक्स और आपकी जो बेसिक हिस्टोकेमिकल टेक्निक्स जिसको आप कहते हो, या जैसे जूलॉजी की भाषा सेक्शनिंग और आपके स्टेनिंग, उस टाइप के सारे टॉपिक्स इसके अंदर आ रहे हैं। ये दोनों टॉपिक आपके इम्यूनोलॉजी के ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये इसको हमने इम्यूनोलॉजी में हमारे जो वीडियो कोर्सेज उनके अंदर इम्यूनोलॉजी में हम लोग डिस्कस करते हैं सारे के सारे। ये वाले जो सारे के सारे टॉपिक्स हैं ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग में डिस्कस करते हैं। बायोफिजिकल मेथड प्योरली केमिस्ट्री, उसमें सभी प्रकार की आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपीज। स्टेटिस्टिकल मेथड्स, इसमें हम बायोस्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। रेडियो लेबलिंग टेक्निक प्योर बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। माइक्रोस्कोपिक टेक्निक आपकी माइक्रोबायो के टॉपिक हैं, टेक्निक सारी की सारी। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मेथड्स में आपके एनिमल फिजियोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी टेक्निक्स हैं उसको इंक्लूड किया गया है। और आपके फील्ड बायोलॉजी, अगेन बिहेवियरल बायोलॉजी या आपके जिसको हम कहेंगे एनिमल बिहेवियर के टॉपिक्स हैं, और कुछ इकोलॉजी के टॉपिक्स हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस। एक कन्फ्यूजन जो रूटीन में अलग अलग तरह के मेंटर्स या अलग अलग तरह के आपके शायद सीनियर्स टीचर्स, वो लोग अपने को ज्ञान देते हैं कि दिसंबर का क्वेश्चन पेपर कठिन आता है और जून का सरल आता है, या शायद जून का कठिन आता है दिसंबर का सरल आता है, और इवन कुछ लोगों का कहना है कि दिसंबर में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ज़्यादा आती है और जून में क्लासिकल ज़्यादा आता है। ज़रा सा एक बार मैं सारे के सारे क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके आपको दिखाता हूँ। सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी कि कौन सी यूनिट किस हेडिंग की, असल में दिस इज़ द बायोकेमिस्ट्री। मैं रिपीट कर दूँ, मैंने दिसंबर 2011 का 2017 का क्वेश्चन पेपर लिया है, और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि द बायोकेमिस्ट्री यूनिट नंबर 1 से 21वें सवाल से लेकर और ये 24वां सवाल तक आपसे पूछा गया है। टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री के हैं। इसको दिस इज द कोड ए, अगर किसी के पास क्वेश्चन पेपर हो तो उससे आप मिला के देखें, और अगर बी और सी है तो थोड़ा सा ऑर्डर बस इधर उधर होगा इन क्वेश्चन का, उसको आप जरा देखेंगे। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द बेसिक बॉन्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स। ये भी आपका एक एंजाइम पर बेस्ड क्वेश्चन था पूरा का पूरा, जिसमें एंजाइम्स के बारे में अलग अलग स्टेटमेंट दिए थे। ये आपका मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन था, और ये आपका रामाचंद्रन प्लॉट का क्वेश्चन, ठीक है। अगली यूनिट हमने उठाई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आपको फिर से याद दिला दूं, जो मैंने आपको बताया था वो ये कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में न सिर्फ आप सेल के बारे में बात कर रहे हो, बल्कि अगर आप ध्यान से देखो तो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, सारे के सारे ऑर्गेनल्स,
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन क्रोमोसोम एंड हेटरोक्रोमेटिन क्रोमेटिन वगैरह ये सब कुछ, और सेल डिवीजन और माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, ये आपने इंक्लूड करवाया है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनिट नंबर टू में। यूनिट नंबर टू में सिग्नलिंग को मैं जरा सा यहां पर डालना चाहूंगा, वैसे तो सिग्नलिंग इज अ पार्ट ऑफ यूनिट नंबर फोर, बट इसको हेडिंग की वजह से इसको मैं आपको चेंज करके दिखा दूं, दिस इज यूनिट नंबर फोर, थोड़ा सा आगे पीछे हो रखा है ये, जंबलिंग की होगी। उसके बाद ये वाला आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशन तो 26 से अगर मैं गिनना शुरू करूं तो 26 से लेकर और लगभग ये 29 तक, 26, 27, 20, 29 चार क्वेश्चन आपके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से पूछे गए हैं। फिर आता है आपका फंडामेंटल प्रोसेस, फंडामेंटल प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर 30 और 31 और 32 तीन क्वेश्चन फंडामेंटल प्रोसेस यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से पूछे गए हैं। यूनिट नंबर 4 से अगर मैं उठाऊं तो यूनिट नंबर 4 से 33, 34, 35 और 36, क्योंकि इसमें इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, कैंसर बायोलॉजी और सेल सिग्नलिंग था, तो पांच क्वेश्चन, ये चार ये और पांचवा क्वेश्चन ये वाला जो कि क्वेश्चन नंबर 25 है, ये पांच क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको यूनिट नंबर 4 से। यूनिट नंबर 5 से अगर देखें डेवलपमेंटल बायोलॉजी 37 से लेकर और 38, 39, 40 ध्यान से देखते जाएं, ये आपके लिम डेवलपमेंट से, ये आपके फ्लावर डेवलपमेंट से, ये आपका बेसिक जो आपका गैस्ट्रुलेशन वगैरह होता है, जो हमारे वीडियो में अगर आपने देखा हो तो डेमो में भी शायद हमने दे रखा है, दिस इज द पार्ट ऑफ द क्लीवेज पैटर्न, उसमें से क्वेश्चन था। तो ये कुल मिलाकर पांच, चार से पांच क्वेश्चन आपके यूनिट नंबर 5 में से भी। सिस्टम फिजियोलॉजी में प्लांट से अगर देखा जाए, प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चन देखे जाए तो देर इज वन क्वेश्चन नंबर 41, 42, 43 एंड 44, ये आपके प्लांट फिजियोलॉजी में से क्वेश्चन है, प्रॉपर बैलेंस्ड है, मैंने आपको बोला है चार से पांच क्वेश्चन। एनिमल फिजियोलॉजी में से चार क्वेश्चन ये वाले, ये आपके डाइजेशन से रिलेटेड, या आपके बेसिक ये है आपका ईयर वाला, इंटरनल ईयर का क्वेश्चन था, ये आपका एंडोक्राइनोलॉजी का क्वेश्चन है और ये आपका न्यूरोफिजियोलॉजी का क्वेश्चन है। जेनेटिक्स में से सेक्शन नंबर बी में देखा जाए तो 49, 50, 51, 52 जेनेटिक्स, ये प्योर जेनेटिक्स चल रही है इस वक्त, ये आपका जो मैपिंग वगैरह सारे क्वेश्चन, चार क्वेश्चन आपके जेनेटिक्स के हैं, सिर्फ चार क्वेश्चन सेक्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 53 इकोलॉजिकल प्रिंसिपल से क्वेश्चन है, लेकिन 54 से लेकर 56 यानी कि 54, 55 और 56 आपके डाइवर्सिटी में से क्वेश्चन है, जिसमें उन्होंने ये क्लासिफिकेशन से रिलेटेड टॉपिक पूछा है, टैक्सोनॉमी से रिलेटेड कि नोमेनक्लेचर में ये होलोटाइप क्या होता है, या फिर ये नाम पूछ लिया, ये ड्रग का नाम अप्लाइड पूछ लिया टॉपिक, इसके अलावा ये प्रॉपर एनाटॉमी में से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल का देखें यूनिट नंबर 10 53 क्वेश्चन, 57, 58, 59 और 60, यानी कि कुल मिलाकर पांच क्वेश्चन इकोलॉजी में से थे, देर आर टोटल फाइव, 57 से लेकर 57, 58, 59 एंड 60 तक के, तो पांच क्वेश्चन आपके इकोलॉजी के। इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, अगेन मैं आपको यूनिट को दोबारा से गो थ्रू करवाऊं, इवोल्यूशन एंड बिहेवियर में सिर्फ इवोल्यूशन नहीं आता, इसके अंदर अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इवोल्यूशनरी थॉट्स, ओरिजिन ऑफ सेल एंड इवोल्यूशन, जिसमें सारी थ्योरीज वगैरह आपकी पैलियंटोलॉजी पूरी की पूरी और इवोल्यूशनरी थ्योरीज जितनी भी हैं उसमें आपको पीरियड और इपॉक और एरा वगैरह सारा, जिसको जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं या इवोल्यूशनरी टाइम पीरियड कहते हैं, वो मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन, पॉपुलेशन जेनेटिक्स और ब्रेन एंड बिहेवियर, ये सारी यूनिट बन रही है आपकी यूनिट नंबर 11। तो अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हो तो यू विल बी सीइंग हियर कि इस यूनिट को अगर आप ध्यान से देखो 61 से लेकर और कुल मिलाकर ये 61, 62, 63 भी आपका एक तरह से इसी का क्वेश्चन आ गया, या अगर आप चाहें तो इसको बायोस्टेट्स का मान लें, थोड़ा बहुत बायोस्टेट्स का जैसा है 64 क्वेश्चन, यहां तक के क्वेश्चन यानी कि तीन क्वेश्चन आपके इवोल्यूशन बिहेवियर में से है, तो तीन से पांच का आप रेंज लेके चलें, और ये जो 65 से अगर आप क्वेश्चन लेके चलोगे, 65th क्वेश्चन आपका पड़ रहा है आपका मेथड्स इन बायोलॉजी, देखा जाए तो 64 से लेकर अगर आप नीचे आओगे तो 64 से लेकर नीचे तक आपके मेथड्स इन बायोलॉजी और बीच में ये अप्लाइड बायोलॉजी का क्वेश्चन। कुल मिलाकर अगर आप
ओनली मैं सेक्शन बी के हिसाब से देखूं तो देखा जा रहा है कि सारा का सारा जो पैटर्न है सभी यूनिट्स में से कुछ ना कुछ जरूर आ रहा है। कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स पे कुछ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जैसे इस वाले पेपर में अगर देखा जाए तो इकोलॉजी से 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, सेल बायोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो लेकिन अगर देखा जाए तो ये मामला बैलेंस का है, सारा कुछ बैलेंस चल रहा है। अब अगली बात करूंगा मैं सेक्शन सी की, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि सेक्शन सी को लेकर, जिसमें ये ज्ञान दिया जाता है, जो जो ज्ञानी लोग हैं वो ज्ञान देते हैं कि भाई आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, इम्यूनो जेनेटिक्स कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन मैं अगर एनालिसिस करूँ तो क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि आपने सिर्फ 4 या 5 सब्जेक्ट कर लिए और आपका कल्याण हो जाएगा? इट इज़ ऑलवेज अ रिस्क, इट इज़ द ओनली बाई चांस कि अगर आपको आ गया तो आ गया और नहीं आया तो फिर आप क्या करोगे? क्यों? क्योंकि जो मेरा जो ये वीडियो का हेडिंग है वो मैंने कहा है 13 यूनिट्स क्यों कवर करनी चाहिए, क्यों हमें चीज़ों को छूना चाहिए, हर एक चीज़ को एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा। जरा मैं सेक्शन सी पर आपसे बात करूं। पहली चीज़ तो आप ये क्लियर कीजिए कि अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी जैसी चीज़ों पर ही आपको कंसंट्रेट करना है तो आप जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकेंगे उसको आप एक बार कैलकुलेट करें। थोड़ा सा मैं वापस से इस पूरे के पूरे एनालिसिस को आपको दिखाऊं कि किस यूनिट में से कितने क्वेश्चन आए हैं। यूनिट नंबर 1 दैट इज बायोकेमिस्ट्री, क्वेश्चन नंबर 71 से अगर आप गिनने बैठोगे तो 71 से 76 तक के सारे क्वेश्चन आपके यूनिट नंबर 1 में से आ रहे हैं, आप ध्यान से देख लें। ठीक है, इसको आप थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं कि शायद ये यूनिट नंबर 13 है, बट असल में यूनिट नंबर 1 है कि आपको जो पॉलीमर है वो एकेरल अमीनो एसिड्स का, उसको कन्फर्मेशन में आप क्या यूज करोगे एकेरल चीज़ों के लिए, इस तरह का क्वेश्चन। तो देखा जाए तो बायोकेमिस्ट्री है, जम्बलिंग नहीं करते हैं वो लोग। एक चीज में थोड़ा सा आपको बताऊं कि एक बड़ा प्रॉब्लम आपको आता है कि सेक्शन सी में सपोज आप बॉटनी से हैं और आप बॉटनी वाले ही क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप अपने जो सिलेबस है उसको पूरा का पूरा एक तो याद रखिए कि भाई यूनिट नंबर मुझे सपोज 7 करना है तो 7 इंटू 5 क्या हुआ 35, 71 से 35th क्वेश्चन क्या होगा, 71 से अगर आप 35th क्वेश्चन देखोगे तो दिस इज 105। आपके वो जो प्लांट फिजियोलॉजी टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए भाई 7th यूनिट का होने चाहिए, 105 के आसपास कहीं होना चाहिए। अब जरा देखते हैं वो आ रहा है क्या, आंसर इज यस आ रहा है, ये रहा 6वीं या 7वीं यूनिट आपके 105 के आसपास आ रही है। 7वीं यूनिट कहाँ पर आ रही है, 105 के थोड़ा सा आगे ये आ रही है, क्योंकि ऑन एन एवरेज एक यूनिट में से आप 5 से 6 क्वेश्चन, तो आप 5 से मल्टीप्लाई करो या 6 से मल्टीप्लाई करो, आप सीधे उस यूनिट पर पहुंचिए जिस पर आपको सबसे पहले सवाल सॉल्व करना है। जैसे आप में से हो सकता है किसी को जेनेटिक्स बहुत ज्यादा पसंद है कि मुझे तो सबसे पहले जेनेटिक्स करनी है। रूटीन में जो बच्चों की आदत होती है वो होती है कि वो क्वेश्चन नंबर 1 से ढूंढना शुरू करते हैं जेनेटिक्स कहां पर है, आप उसमें समय मत बर्बाद कीजिए, आप सीधे किसी जेनेटिक्स कि भाई जेनेटिक्स हमारी यूनिट नंबर 8 है, यूनिट नंबर 8 इज मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 6 क्या, 8 इंटू 6 इज 48 और 71 से 48 जोड़ा आपने तो कितना बना, इट इज 118 के आसपास हमने ये देख लिया। हाँ भाई 113 के आसपास ये क्वेश्चन आ रहा है, 5 एंड 6 है ना, ये आपकी इनहेरिटेंस बायोलॉजी आ रही है। सपोज आपको यूनिट नंबर 11 करना है तो वैसे ही आप कीजिए, यहां आप सीधे जेनेटिक्स पर पहुंच जाएंगे, इसमें आपको क्या ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ रही। ठीक है, तो एक काम तो आपको हमेशा अपने क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये करना चाहिए। फिर अगली बात मैं कह रहा हूं कि सब चीजें बैलेंस आ रही है तो उसको जरा आप कंफर्म कर लीजिए कि बैलेंस कैसे आ रही है। ये आपने सेलर ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया यूनिट नंबर 2, ये शुरू हो रहा है 71 से लेकर और ये प्रॉपर देखा जाए तो ये आ रहा है 82 तक, 77 से 82 कितने बन रहे हैं, 5, दीज आर 5 क्वेश्चन आर देयर, ये रहे 5 क्वेश्चन। फंडामेंटल प्रोसेस यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपकी कहां पर आ रही है, 83 से लेकर 5 क्वेश्चन के 5 या 6 क्वेश्चन होने चाहिए, ये आपके प्रॉपर 5 या 6 क्वेश्चन। वापस से देखें 83 84 85 86 7 8 कितना बन गया, वापस देखिए 83 से लेकर और आपका 88 कितना बन रहा है, 5 या 6 क्वेश्चन अगेन। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में से बहुत ज़्यादा सारा का सारा पेपर मॉल बायो में से आ गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। उसके बाद यूनिट नंबर 4 देखिए, सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, 89 से आपने शुरू किया है, अगेन सेल बायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी माइक्रोबायोकेमिक्स से, थोड़ा सा क्लियर रखिएगा इसको। 89 से आपने शुरू किया और 89 से शुरू करके आप पहुंचे 94, 89 से 94 कितना बन रहा है, 89 90 91 92 93 94, 6 क्वेश्चन आर फ्रॉम दिस माइक्रोबायोलॉजी इम्यूनोलॉजी एंड सेल सिग्नलिंग एंड ECM, उसमें से आपको दिए गए। यूनिट नंबर 5 डेवलपमेंटल बायोलॉजी, 95 से आपने शुरू किया, 95 से शुरू करके आपने बात पहुंचाई कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी में कहां से कहां तक क्वेश्चन आ रहे हैं एंड इट इज कमिंग 95 से शुरू करके 101,
तो कुल मिलाकर 95, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी कि 101 छह क्वेश्चन आपके इसमें से आ रहे हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी से। प्लांट फिजियोलॉजी में देखिए 102 से आपने शुरू किया, 102 से लेकर आपके बन रहे 106 तक के सारे सवाल, ये आपके प्लांट फिजियोलॉजी में से। तो 2, 3, 4, 5, 6 पांच क्वेश्चन आए सिर्फ। एनिमल फिजियो में से देखिए 107 से आपने शुरू किया और ये अब आपका पहुंच रहा है 112। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 सिक्स क्वेश्चन आज फ्रॉम द एनिमल फिजियोलॉजी। इनहेरिटेंस बायोलॉजी में देखो 13 से शुरू किया है और 13 से शुरू करके 118 कितने हो गए क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म जिसमें मैंने आपको एनाटॉमी और कंपेरेटिव एनाटॉमी, प्लांट और एनिमल क्लासिफिकेशन ये सब कुछ ले रहे हैं अपन, 119 से शुरू किया आपने, 119 से शुरू करके आप पहुंच गए 123। तो 9, 19, 20, 21, 22, 23 पांच क्वेश्चन इसके अंदर है। इकोलॉजिकल प्रिंसिपल 124 से आपने शुरू किया, 124 से शुरू करके आपने पहुंचा 129। तो 24, 25, 26, 27, 28, 29 छह क्वेश्चन आपके इकोलॉजी के एंड सो ऑन। अगर आप इस पूरे के पूरे क्लासिफिकेशन को देखोगे तो ये सारा का सारा जो बैलेंस है वो 5 से 6 क्वेश्चन हर एक यूनिट में से इनको उठाकर देना है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो जो बात आ रही है मेथड्स इन बायोलॉजी 139 से लेकर 145 तक के क्वेश्चन सारे मेथड्स इन बायोलॉजी से थे, जो कि कुल मिलाकर अगेन 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। बीच में अप्लाइड बायोलॉजी के अगर देखें यूनिट नंबर 12 इसमें से सबसे कम क्वेश्चन पूछे गए थे 36, 37, 38 तीन क्वेश्चन मात्र पूछे गए अप्लाइड बायोलॉजी से। अब प्रश्न आता है कि क्या चीज तो हम ज्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं और क्या चीज हम कम प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या कोई पर्टिकुलर यूनिट ज्यादा प्रिपेयर करने से हमारा भला हो जाएगा क्या। जरा सा इस चीज को भी मैं दोबारा से आपको ध्यान से देख के बताता हूं, क्योंकि मैं फिर से क्लियर कर दूं iguruji.in जो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन है हम ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने वीडियोज के माध्यम से आपको किस प्रकार 13 यूनिट्स प्रिपेयर करवाना चाहते हैं और कारण सहित बताना चाह रहे हैं क्यों करवाना चाह रहे हैं। सपोज आपने से फॉर एग्जाम्पल माइक्रो इवोल्यूशन आपने माना कि इवोल्यूशन वाली यूनिट को आप छूना चाहते हैं और आपने इवोल्यूशन बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, अच्छी से अच्छी किताब आपने ले ली, से फॉर एग्जाम्पल वीरबाल रस्तोगी, स्टिक बगलर या जो भी मार्केट में उपलब्ध किताबें हैं या नोट्स हैं आपने उससे प्रिपेयर करना शुरू किया। टेक्निकली आप लोग जो सोचते हो वो ये सोचते हो कि अगर हमने कोई पर्टिकुलर यूनिट सपोज इवोल्यूशन और बिहेवियर शुरू की है तो हमें वो 100% याद होगी और हमने 100% प्रिपेयर किया है तो हमारे नंबर ऐसे आने चाहिए कि 100% सवाल सही हो जाए। सपोज ये यूनिट नंबर 11 लिया, इसमें आपने फाइलोजेनेटिक ट्री वगैरह सब कुछ प्रिपेयर किया, अब कितना प्रिपेयर कर लोगे। अगर मैं एग्जाम दे रहा हूं तो सबसे पहली चीज तो ये है कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने वाला, मुझे नहीं आता, मेरे को इसमें बहुत सारा कुछ सोचना पड़ रहा है, आउट ऑफ द कोर्स जैसा लग रहा है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये प्योरली जो बिहेवियर में जो न्यूरोलॉजिकल बिहेवियर वाले टॉपिक होते हैं उसमें से आ रहा है ये, शायद मैं कर जाऊं क्योंकि मैंने इसमें न्यूरोबायोलॉजी में पढ़ा हुआ है जो ब्रेन एंड बिहेवियर वाला टॉपिक है। उसके बाद ये अगर मुझे मैथमेटिक्स आती होगी थोड़ी बहुत तो मैं ये सवाल कर पाऊंगा, छह में से मैं देखूं एक सवाल मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। उसके बाद फाइलोजेनेटिक ट्री में मेरा हाथ कमजोर है बहुत ज़्यादा, मैं शायद इतना ज़्यादा पढ़ के नहीं आ पाया, मैं एक छोटी जगह से था, ये वाला जो बिहेवियर वाला टॉपिक था मुझे याद नहीं आया गलती से कि टॉपिक इस टेक्निक को या इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसका जो नाम है इट इज़ गेस्टाल्ट प्रिंसिपल। उसके बाद ये मॉलिकुलर इवोल्यूशन का जो टॉपिक है ये ये फाइलोजेनेटिक का अगेन टॉपिक है, ये भी मुझे बड़ा कन्फ्यूज़ कर रहा है तो मैं बड़ा टेंशन में हूँ। ये जो 135 है ये मैंने सॉल्व कर लिया, ये वाला 135 वाला क्वेश्चन। अब प्रश्न आता है मैंने जो कुल मिलाकर सॉल्व किए सपोज तीन सवाल सॉल्व किए छः में से, अगर मैंने अब छः में से तीन सवाल हो गए मुझे 75 में से 25 क्वेश्चंस करने हैं। दूसरी मैंने यूनिट उठाई कि मैं आई एम वेरी गुड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मतलब यूनिट नंबर थर्ड मैं गया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अगर आप इस वक्त ध्यान से देखोगे तो मैं यहां पर से शुरू करूं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मैंने सॉल्व करना शुरू किया से यहां से फंडामेंटल प्रोसेस, ये सवाल बहुत अच्छा था मेरा रटा हुआ था, मैंने डीएनए याद किया था तो मैंने सवाल सॉल्व कर दिया। उसके बाद ये जो क्वेश्चन था इमेजिन द फॉलोइंग द आरएनए सीक्वेंस ट्रांसलेटेड इनटू द मैमेलियन साइटोसोल एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये देखते मेरे होश उड़ गए क्योंकि याद तो मैंने पूरी जेनेटिक टेबल याद की थी लेकिन वो जो एक्सेप्शंस थे माइटोकॉन्ड्रिया वाले वो मुझे याद नहीं थे तो मुझे सवाल छोड़ना पड़ रहा है। मैं
100% प्रिपेयर कर लूंगा, तब भी वो जो छोटी चीज थी, बहुत छोटी चीज होती है कि मेमेलियन जेनेटिक को, मेमेलियन सिस्टम में साइटोसोल के लिए जेनेटिक कोड अलग तरीके से वर्क करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में अलग तरीके से वर्क करते हैं, तो ये क्वेश्चन मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली ये याद नहीं आ रहा कि यूजीए वाला जो फंडा है ये माइटोकॉन्ड्रिया में एक्चुअली ऑपरेट कैसे करता है। होने को तो मुझे अभी याद है बींग ए टीचर, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद नहीं आता। मॉल बायो का आपने क्वेश्चन एक छोड़ दिया, उसके बाद आप अगले क्वेश्चन पर आए, आपने रेप्लिकेशन की कहानी देखी और इसमें आपको सेक ए याद नहीं आया कि यार ये सेक ए कौन सा प्रोटीन था, डीएनए ए बी सी तो आपने खूब रटा है, टी ब्राउन खूब रट रखी है आपने, आपने अच्छी से अच्छी किताबें पढ़ रखी है। एच डी ए प्रोटीन इस वक्त आपको याद नहीं है क्योंकि ये एक रिसर्च पेपर में से उठाया गया है और वीवर की किताब है और वाटसन का शायद 8th एडिशन, 7th और 8th एडिशन में इसके बारे में कुछ कुछ कहा गया है। आपने ये क्वेश्चन भी छोड़ दिया, दो क्वेश्चन छोड़ चुके हो आप तीन में से। इकोलाई में आपने मोलबाय में ये वाला आपने क्वेश्चन बड़े अच्छे से कर दिया क्योंकि ये तो आपको सिखाया गया था कि हाँ भाई रेप्लिकेशन के लिए टेम्पलेट चाहिए होता है। उसके बाद जब टीआरएनए की बात आई तो टीआरएनए में आप फिर कंफ्यूज हो गए क्योंकि ये तो आपको पता था कि जो मामला है यूकेरियोट से प्रोकेरियोट में सीसीए कहाँ जुड़ता है, लेकिन आप थोड़ा सा कंफ्यूज थे, आपने ये क्वेश्चन भी छोड़ दिया। 6 में से आप 4 क्वेश्चन छोड़ चुके हो। 8वां क्वेश्चन आपने जुगत भिड़ाई और 8वां क्वेश्चन सही कर दिया, तो 6 में से आपने कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन किए, यहां पर भी 2 या 3 क्वेश्चन किए। एक्चुअली जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक यूनिट में से एक नॉर्मल इंसान, अगर आप बहुत ज्यादा जीनियस हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन एक एक यूनिट में से एक नॉर्मल इंसान जो सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है वो आधे ही क्वेश्चन कर सकता है, नॉर्मल इंसान, अगर उसने उस क्वेश्चन उस पर्टिकुलर यूनिट को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है। तो असल में देखा जाए तो अगर आप मुझसे ऑर्डर पूछोगे तो एक यूनिट में सपोज 6 सवाल हैं, 2 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा हार्ड कोर डिफिकल्ट होंगे, 2 क्वेश्चन बहुत आसान होंगे और बाकी के 2 क्वेश्चन कुछ ट्रिक लगाने से हो जाएंगे, और ऐसा ही मैं आपको यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। नाउ अगर आपको 75 में से 25 क्वेश्चन इस प्रकार से करने हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप उन 2 क्वेश्चंस को छुएं जो एक्चुअली इजी होने वाले हैं। फिर अगला सवाल आप करोगे हमें कैसे पता कि ये इजी है, तो सबसे पहला अच्छा तरीका होता है कि आप अपने जो क्वेश्चन पेपर है उसको प्रॉपर स्कैन करें बहुत स्पीडली। सबसे पहले आप हमेशा उस यूनिट को उठाएं जहां पर आप सबसे ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन, कि सपोज आपने सेल बायोलॉजी तैयार की है। मेरे लिए आई जस्ट लव सेल बायोलॉजी क्योंकि सेल बायोलॉजी असल में 2 जगहों पर है। आई लव यूनिट नंबर 13 क्योंकि सबसे आसान सवाल यूनिट नंबर 13 में से होते हैं। तो सेल बायोलॉजी आपने उठाई, आपको पता है कि यूनिट नंबर आपकी जो 2 और यूनिट नंबर 4 है वो आपकी सेल बायोलॉजी है, सबसे पहले आपने वो कर लिया और आप कॉन्फिडेंट हो गए हाँ यार मैंने कम से कम 5 सवाल कर लिए। 5 सवाल करने के बाद सपोज आपको इकोलॉजी उठानी है, सब फटाफट से आपने, आपको याद है इकोलॉजी का जो यूनिट नंबर 10 है, मैं सीधे किसी दोस्त के ऊपर जाऊं और वहां जाकर सवाल सोल्व कर लूं। यहां आपने आके इकोलॉजी के सवाल सोल्व कर लिए। आपके जैसे जैसे नंबर बढ़ते जा रहे हैं एग्जाम के दौरान में सवाल सोल्व करने, मैं फिर से क्लियर करूं इकोलॉजी में भी ऐसा नहीं होने वाला है आपके साथ कि आपको सब कुछ आ जाएगा। जैसे अगर मैं कहूं ये वाला सवाल एक आसान सवाल था, 124 126 एक आसान सवाल था, उसके बाद 125 भी एक आसान सवाल है, लेकिन ये जो 127 है ये एक यूनिक क्वेश्चन था। अगर आपने अच्छे से रटा हुआ है और आपको पता है कि जालदा पारा आपका इंडियन राइनोसोरस के लिए सेकंड लार्जेस्ट एरिया है इंडिया का, तो आप आसानी से कर जाओगे। रट्टाफिकेशन वाला सवाल था पूरी तरह से। ये वाला अगर आपने इकोलॉजिकल मॉडल्स तैयार किए हैं, हमारे वीडियो में एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा ही दे रखा है हमने, तो आपका बड़े आसानी से सवाल हो जाएगा। एक बार अगर आपने 10 या 12 क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली सही कर दिए जो आपकी अपनी चॉइस के हैं, तो ये बिहेवियर वाला यूनिट आप पूरी की पूरी छोड़ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते ही आप चीजों को छोड़ा करो, जरूरी नहीं है आपने हर चीज पढ़नी है, डिटेल में आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर हम 13 यूनिट्स के हिसाब से देखें तो 13 यूनिट्स में से ये आपको क्वेश्चन दे रहे हैं टोटल 45 प्लस 70, यानी कि 75 क्वेश्चन। 75 में से जो 25 चूज करने का तरीका होगा वो हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जहां आप सटीक रहें। फिर अगला जो महत्वपूर्ण सवाल आता है वो ये आता है कि कौन सी यूनिट्स तो हम तैयार करें कौन सी यूनिट्स हम तैयार नहीं करें। मेरा जो सबसे आसान आंसर होगा वो ये होगा कि आप जिसमें सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हैं, जिस चीज में आपने डिग्री कर रखी है, सपोज आप बॉटनी से हैं तो आप अपनी डिग्री वाली चीजों को तो सबसे पहले तैयार कीजिए। उसके अलावा एक सेल बायोलॉजी वाला यूनिट है जो सबको तैयार करना ही करना चाहिए क्योंकि आपके सेल बायोलॉजी 2 जगहों पर है। उसके अलावा अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा इकोलॉजी आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए क्योंकि सबसे ज्यादा आसान सवाल उसमें होते हैं। नाउ सवाल ये आता है कि किन आधारों पर मैं ये कह रहा हूं कि इसमें आसान सवाल है इसमें कठिन सवाल है। बेसिक सा एक सिंपल सा कंसेप्ट है, जिन चीजों में परिवर्तन ज्यादा होता है वो वाले यूनिट्स हमें कम तैयार करने चाहिए। जैसे मैं कहूंगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसमें सबसे ज्यादा तेजी से परिवर्तन आता है, आप
अगर मुझसे पिछले 10 सालों की किताबें उठा के देखोगे तो किताब टू किताब में वेरिएशन आ जाता है, या अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्वेश्चन पैटर्न्स को आप देख मुझसे सुनना चाहोगे तो इसके इस पूरे पैटर्न में परिवर्तन आ रहा है लगातार। यहाँ अगर आप नेट के क्वेश्चन पेपर्स को भी उठा के देखो, जैसे अब की बार मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्वेश्चन मैंने लोगों को कहा कि आपको एक्चुअली तैयार नहीं करना चाहिए था। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अगर यहाँ पर देखें तो जो यूनिक बातें आना शुरू हो गई थी वो यहाँ से आना शुरू हो गई थी, जिसमें बच्चे पूरा का पूरा घूम गए यहाँ। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जैसे ये क्वेश्चन बहुत यूनिक था, यूजुअली हम ध्यान नहीं देते। अगर आप मुझसे प्लांट फिजियोलॉजी कहोगे तो प्लांट फिजियोलॉजी मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें परिवर्तन होता ही नहीं है, फोटोसिंथेसिस है। अधिकतम आपसे क्या पूछेंगे, फोटोऑक्सीडेशन पूछ लेंगे, कंपनसेशन पॉइंट पूछ लेंगे, लाइट रिएक्शन या केल्विन साइकिल पूछ लेंगे, चेंजेस की संभावनाएं कम होती है। डेव बायो ने इस बार बहुत ज़्यादा धोखा दिया, जैसे डेव बायो इज अगेन ऑलवेज रिस्की, होने को सबसे छोटी यूनिट है, पर एनिमल डेव बायो और प्लांट डेव बायो में अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं हमेशा लोगों को सलाह देता हूँ कि प्लांट डेव बायो तैयार कीजिए, छोटा सिलेबस है, चेंजेस उसमें बहुत ज़्यादा नहीं होते और हार्ड कोर लेवल की सिग्नलिंग की बात नहीं करती प्लांट डेव बायो। एनिमल डेव बायो में इस बार जो क्वेश्चन था, सपोज मैं आपको क्वेश्चन ले लूँ ये वाला सी एलिगेंस का ये वाला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये प्योरली जो वॉलपोर्ट की बुक है डेवलपमेंटल बायोलॉजी उसमें ये सारा का सारा डिटेल में दे रखा था, और उसके भी लेटेस्ट एडिशन में, गिलबर्ट में तो शायद ये इतना सब कुछ दे भी नहीं रखा, गिलबर्ट की भी एक बुक आती है। ये वाला जो क्वेश्चन था अगेन एनिमल डेव बायो का, यहाँ लोग बिनाबात ही कन्फ्यूज हुए थे, असल में ये पागल बनाने के लिए था, ये EBR 1-2 की बात कर रखी थी अननेसेसरी। ध्यान से जो देखना था वो इस ग्राफ को देखना था कि ये जो डिपोलराइजेशन का ग्राफ है वो किस प्रकार से परिवर्तित होता है, और गिलबर्ट्स में बहुत प्यारे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। या अगर मैं मुझसे आप प्लांट फिजियोलॉजी यहाँ पर पूछोगे, प्लांट फिजियोलॉजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे सारे के सारे, उसमें भी आपको इस क्वेश्चन को छोड़ना था, ये अगेन डिटेल में था जो कि आपका प्लांट के सेकेंडरी मेटाबोलाइट और प्लांट की जो सिग्नलिंग होती है, प्लांट का इम्यून रेस्पॉन्सेज, उस पर से ये क्वेश्चन था। तो बेसिकली मेरा जो यहाँ पर कहना है, जैसे मैं अगर प्लांट फिजियोलॉजी भी अगर सपोज मैं कोई बच्चे ने तैयार की है तो ये वाला क्वेश्चन मैं हमेशा छोड़ने को बोलूँगा, अगर उसने बहुत डिटेल में तैयार नहीं कर रखा है तो। सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एक हमारा वीडियो है, उसमें से आने को तो सारा आया था, पर चूंकि उसमें इतनी सारी चीज़ें याद करने को, हमेशा छोटा मोटा कन्फ्यूजन रह जाता है, क्योंकि आप उनका कोई हर एक चीज़ का आप सिंथेसिस याद नहीं करने वाले, यू आर नॉट एबल टू डू दिस, और ट्राई करो भी मत, क्योंकि जितनी मेहनत आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कर रहे हो, मतलब सपोज आप एक टॉपिक पे 50 या 60 आवर्स दे रहे हो, उन 60 आवर्स में तो आप बहुत सारा कुछ दूसरा तैयार कर सकते हो। तो हमारा जो कहना होता है वो ये कि आप मेहनत उन टॉपिक्स पे कीजिए जिनमें से आने की संभावना ज़्यादा होती है। मैं आपको ये सारी की सारी जो बातें हैं आपसे एक और वीडियो शेयर करूंगा जिसमें मैं आपसे बात करूंगा एग्जैक्टली कोई टॉपिक आपको क्यों तैयार करना चाहिए, पर मेरी बात आप शायद समझ पा रहे होंगे, मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहा हूंगा कि एग्जैक्टली सारी की सारी यूनिट्स तैयार करने का अपने को फ़ायदा क्या होता है, हमारी ओवरऑल रिस्क कम हो जाती है कि अगर सपोज हमें कुछ नहीं आया तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम कहीं और से तलाशेंगे। बेसिकली आपको नंबर्स कवर करने हैं, आपको जैसे यूनिट नंबर सेक्शन बी में अगर आपको कवर करना है तो 50 में से 35 वो लोग करने को बोलते हैं CSIR, लेकिन अगर आप 25 से 30 भी आपने सही कर दिए सो इट्स ओके, आप सिलेक्शन के करीब हो, बहुत ज़्यादा आप दूर नहीं हो। इसी तरह से यूनिट नंबर अगर आप मुझसे सेक्शन सी में बात करोगे, सेक्शन सी में अगर आपने 18 से 22 तक के भी सवाल कर दिए, 18-22 सवाल भी कर दिए, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। कोई भी जब बात आप अगर आप मुझसे पूछना चाहें तो और शेयर करना चाहें अपने एक्सपीरियंसेस तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, माय फ़ोन नंबर इज 9314503070, या फोन नंबर लिख लें, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमें आप ईमेल कीजिए aadharinstitute@gmail.com या igurujin@gmail.com। ज़्यादा और अगर आपको हमारे बारे में दूसरे वीडियोज़ देखने हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल आधार इंस्टीट्यूट जयपुर के जयपुर को आप सर्च कर लीजिए, या अगर हमारे वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो आई गुरुजी जो एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकें। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहें कि मुझे ये चीज़ें और इंक्लूड करनी चाहिए, या कोई पर्टिकुलर वीडियो या कोई सलाह आप मुझसे वीडियो के रूप में लेना चाहें तो आप मुझे ज़रूर व्हाट्सएप कीजिए। अगेन आई एम रिपीटिंग माई नंबर 9314503070। थैंक यू।